पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी है, जिसको लेकर अंबाला कैंट एसडीएम ने टांगरी नदी से लगते इलाकों का दौरा किया। एसडीएम ने बताया कि अभी टांगरी नदी में 10,000 क्यूसेक पानी है और बरवाला हेड पर अभी 2,000 क्यूसेक पानी है। कुछ समय के लिए टांगरी नदी का जलस्तर जरूर बढ़ सकता है, लेकिन बाद में ये कम होने की संभावना है। पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने जब ये खबर सुनी तो उनके मन में एक बार फिर से वही बाढ़ के तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अंबाला में बारिश ज्यादा नहीं हुई, नहीं तो जलस्तर और भी बढ़ सकता था। बता दें कि गृह मंत्री ने भी लो लाइन एरिया का दौरा किया था और इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दिए थे ताकि बाढ़ से आबादी को बचाया जा सके। वर्तमान जलस्तर क्या है और आसपास आबादी में जल भराव तो नहीं है, इसका जायजा लिया गया है। हम देख रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर हमारी सफाई की गतिविधियाँ प्रॉपर चल रही है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हेल्थ विभाग की टीम भी फील्ड में जा रही है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अभी टांगरी में 10,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और पीछे बरवाला हेड पे 2,000 के करीब पानी है, तो अब आने वाले समय में दिन में उम्मीद है कि पानी का स्तर घटेगा। अभी थोड़े समय के लिए तो हो सकता है कुछ बढ़े, लेकिन शाम तक ये स्तर घटने की उम्मीद है अगर कैचमेंट एरिया में और बरसात नहीं होती है तो। माननीय मंत्री जी ने भी, डी साहब ने भी इस इलाके का लो लाइंग एरिया का दौरा किया था और इरिगेशन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे ताकि आबादी को बचाया जा सके। सर, आप दौरे पे निकले हैं, क्या-क्या? हाँ, मैं भी यही देखने के लिए कि टांगरी में वर्तमान क्या जल स्तर है और आसपास के एरिया में कहीं आबादी में जल भराव तो नहीं है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि स्वच्छता की हमारी जो सफाई की गतिविधियाँ हैं वो प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। इसके अलावा हेल्थ की टीम्स भी फील्ड में जा रही हैं कि बीमारियों से बचा जाए और भी अगर कोई जन सामान्य की कोई शिकायत आती है तो उसका निराकरण करने के लिए हम फील्ड में घूम रहे हैं। अंबाला से सत्य खबर के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।